किचन को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। आज मु आपण पई नेई आसीची ब्रह्मपुर स्पेशल खीरो पोड़ पिठा, जहां आखी को जेमिति सुंदर देखा जाए पार्टी को मध्य बहुत ही स्वादिया लागी थाए। एही पिठा बहुत ही नरम होई थाए। चालन तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करिबा खीरो पोड़ पिठा। एठी मु गोटे ग्लास बासमती चावल नेईची, आपण चाहिले जे कोनोसी अरुआ चावल नेई पारिबे। चावल को 3-4 घंटा मु पानी रे बतरेई थिली, एबे ताको भल भाबे धोई देइची। चलंतु एबे बाटीबा, मु बाटिया पई खीरो यूज करिवि, मु एथरे जमा भी पानी यूज करिविनि। देखंतु मु चावल बाटी देइची, मु आगो पूरा खीरो रे बाटीची। मु 5 ग्लास खीरो नेइथिले, गोटे ग्लास मोरो चावल बट्टा रे पड़ेची, एटा 4 ग्लास खीरो अछि। आउ मु काजू किसमिस 2 चम्मच काजू, 2 चम्मच किसमिस नहीं ची, गोटे बाउल चीनी नहीं ची, 4-5 गुजराती को मु गुंड कर दे ची, आउ गोटे बाउल मु कटा कोरा नड़िया कोरा नहीं जाओ, आपन चाहिले कटा नड़िया मध्य नहीं पारिबे। चालू देबे खीर बसेबा। देखो दो मु कढ़े बसे दे ची, मु एई कढ़े रे काजू किसमिस को मु छाणी थिली, एबे सेम कढ़े रे खीर बसे दबा। खीर को एबे फुटिबा को छाड़ी दबा। खीर फुटिलानी, एबे आंचे टिके मीडियम कर दे कि मु प्रथमे बासना हबा पई फुटि के रखि देबा, गुजराती की पकाई देबी। ता परे मु गोटे गिना एटी चीनी नहीं जे ताकु मध्ये पकाई देबी। चीनी के मेल्ट हवा को छाड़ देबे। देखो तो चीनी मेल्ट हो गलानी, आपण आपण का टेस्ट अनुसार चीनी को कम बेसी करि परिबे। एबे मु कोरी के रखि दिबा, नडिया कोरा पकाई देबे। एही आपण कटा जदि नडिया भी रखि दिबे ताको पकाइबे। आउ जो काजू किसमिस को मु छाणी रखी थी ताको पकई दे 2-3 मिनट सीझा को छाड़ी दबा। मु टिके लुण पकईबि, लुण पकईले पिठार टेस्टा बढ़ी जाए थाए। एबे मु गोटे चम्मच 1.5 चम्मच घी दे देबी। एबे कोड़े दबा। एबे 2-3 मिनट हो गलानी, मु एबे गैस को स्लो करके बाटी के रखी थी चावल को धीरे धीरे करके एपट पकाउ थबा, एपटे गोटे हाथ रे गोड़ू थबा, नहले लागी जिवो। देखो तो एमती पूरा सुखिला पर्यंत एमती गोड़ू थिबे। गैस रो फ्लेम टा पूरा मु स्लो रखी थी। देखो कढ़ई रु पूरा होगले, कढ़ई रु केमती छाड़ी जाऊचे, कढ़ई रे जमा भी लग कि रही। तो ये पूरा होगला, गैस को बंद करदेवि। ए प्यान बसे कि मु घी को चारियाडे ग्रेस कर देबी। तापरे जल्दी के रखी थी पिठो को मु आदरे देखी यही प्यान रे ही हमें पोड़ा। मु ए घी हाथ है कि मु एमती थापी देबी, थापिले प्लेन ही जीवो। अपन चाहिए खड़िका साहय प्लेन करदे। एबे प्लेन हो गला, गोटे ढाकुन साहय घोड़े देकी पूरा सीम रे 20-25 मिनट छाड़ दबा। एबे 30 मिनट हो गला, टाइम कम बेसी हो पारे, अपन 25
चेक करिवे हमें देखो दो मोर ये चारिपट केमती गोल्डन ब्राउन देखा जाउची एबे पिठारे पूरे की देखिबा लागुनी ता माने होई गलानी एबे मु गोटे प्लेट रखी की एबे उल्टेबे अपन चाहिले टिके ठंडा कर देबे तापर उल्टेबे बे देखिबा तो हमर पिठा गोटे पट साइड पूरा होई गलानी एबे एबे आरो पट पोडिया पई पुन थरे पैन रे चारि पटे घी लगाई दबा एबे सालेनी एबे एपट साइड रो पूरा होई गलानी आरपट साइड ता हबा पई बेसी टाइम लागिवोनी 5-7 मिनिट भीतर हेई जीवो कारण ए पिठाडा पूरा सिजी जाई जी एबे घोड़े की पुन 5-7 मिनिट बंद कर दबा एबे 5-7 मिनिट होई गलानी हमें गैस बंद कर देई टिके ठंडा हबा को छाडी दबा आपण उल्टे लगड़े बहुत केयरफुल से तो उल्टे बे या ठंडा होई गलानी ए पिठा ठंडा होई गला परे ही आरे टेस्ट बढ़ी जाए एही पिठा को अपन माने 2-3 दिन पर्यंत फ्रिज रे रखी के खाई परिबे एथरे रज रे बिरी चावल पोड़ पिठा बदल रे एही खीर को पोड़ पिठा निश्चिंत करिबे एही खीर पोड़ पिठा करिके खाइला परे अपन माने जानि परिबे आर स्वाद किपरि चलो तो एबे काटिके देखिबा देखो दो देखी पार्थिवे पिठा कित्ते सुंदर है जी आउ कित्ते सॉफ्ट है जी अपन माने ए पिठा को निश्चिंत घरे ट्राई करिवे आशा करू छी अपन को ए वीडियो बहुत ही भल लागितिबो यदि भल लागि थाए ताले लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करियो जमा भी भूलिबेनी रहू छी नमस्कार।